एक जरूरत बात है कि प्रभु को, प्रभु का भय मानना। क्या करना है? भय मानना। कभी कभी लोग इसको गलत समझ लेते हैं, भाई प्रभु बहुत प्रेमी है, पापों को माफ़ कर देते। पास्टर जी बोले थे पापों को माफ़ कर देंगे, कि हमको दूषित मन से नहीं रहना चाहिए, इसलिए चलो पाप करते ही रहेंगे, प्रभु को लाइटली ले लेंगे। हाँ, प्रभु को भय मानना है कि नहीं? कैसे भय मानना है? डरना है, भय मानना है? डरना नहीं है, भय मानना है, दोनों में फर्क है। आदम हवा डर डर के भागे, हम परमेश्वर को ऐसा नहीं डरते हैं, भागने वाला डर नहीं, हम भय मान करके प्रभु को आदर करना। क्या करना है? रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करना। भाई एक आदमी प्रेम कर रहा है करके उसका रेस्पेक्ट बिना बात करोगे? हाँ, परम पवित्र परमेश्वर है, हमारे पास आया, अपना आपको वो नम्र किया, इसका मतलब ये ना हम उसको तुच्छ गिनेंगे। लोग तो तुच्छ गिना, क्रूसित किया, ये सब किया, लेकिन आज हम लोगों से परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु को भय मानना चाहिए। इसमें दूसरा कुरिन्थियों 5:11 पढ़िए, 11वां वचन, पहला भाग पढ़ना। इसलिए प्रभु को भय मानना है, प्रभु को खुश करना है और प्रभु को भय मानना है। ज्ञान का आरंभ क्या मालूम है? व्हाट इज द ज्ञान तीन आरंभ है ना दे बोलो। नीति वचन 1 में लिखा है, पढ़ना वो नीति वचन 1:17 पढ़ना, नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूल भी लोग तुच्छ जानते, मूढ़ लोग तुच्छ जानते, शिक्षा का तुच्छ जानते। शिक्षा क्या सिखाते हैं? प्रभु को भय मानना। देखो प्रभु का प्रेम प्रभु के तरफ हमें खींच के लेके आता है। ये प्रभु के दास ऐसे बोलते हैं, द लव ऑफ गॉड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड, द फियर ऑफ गॉड कीप्स यू, उनसे भागने बगैर आपको वहां पर संभाल के रखता है, भागेंगे नहीं। मेरे प्रभु को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? हमारे लिए क्या भय होंगे मालूम है? ये एक ही भय है, मैं प्रभु के विरोध में पाप नहीं करना, यही भाई।